नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SSC CPO 2023 की जो वैकेंसी आ गई है साथियों, और जिसका एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, उसमें मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, हमारी टाइमिंग को मैनेज करता है, और साथियों कहीं ना कहीं SSC के जितने एग्जाम होते हैं उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, और साथ में निगेटिव मार्किंग, इसलिए आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है साथियों। तो आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ दो सवाल सबसे बड़े जाते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर टेस्ट बुक के बनाए हुए मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो साथियों, अभी मैं आगे वीडियो में इसके एक क्लियर आपको करूंगा कि आपको कौन से मॉक टेस्ट अभी देने चाहिए और फिर बाद में कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए। लेकिन साथियों, बात ये आ जाती है कि जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, कि मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है या फिर उसका एनालिसिस भी जरूरी है। तो साथियों, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट 2 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे आप उसका एनालिसिस करिए साथियों। सबसे पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है, मैं अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करता हूं साथियों। इसके अलावा टेस्ट बुक के अलावा आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर अभी देखा जाए तो हमारी प्री का एग्जाम अभी 1 महीने बचा हुआ है साथियों। तो अभी हमको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो हमको टेस्ट बुक के बनाए हुए मॉक टेस्ट अभी देते हुए चलने हैं। अगर हम अभी टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट जो बनाए हैं उसको देते हुए चलेंगे साथियों, कहीं ना कहीं हमको जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है उसका लेवल जो है वो आपके टेस्ट बुक के लेवल से थोड़ा सा कम रहता है। अगर देखा जाए जो आपके टेस्ट बुक जो मॉक टेस्ट जो बनाया जाता है उसका लेवल प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से कहीं ज्यादा होता है। तो हम जब उसका मॉक टेस्ट देते हैं टेस्ट बुक का, उसमें हमारे नंबर थोड़े कम आएंगे, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारा नंबर इंप्रूव होता है साथियों। तो अभी हमको क्या करना है, टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को देते हुए चलना है। उसमें हमारे नंबर भले कम आ रहे हैं, लेकिन जब हम लास्ट टाइम बचेंगे, जब 15 दिन बचेंगे, 10 दिन बचेंगे एग्जाम में साथियों, जब हम प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा जो नंबर इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा मोराल भी इनहेंस होगा, एग्जाम देने के लिए मोटिवेशन आएगा साथियों। तो अभी हमको टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को देते हुए चलना है। इसके बाद जो लास्ट टाइम 10 दिन 15 दिन बचता है तो हमको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देना है। उससे हमारा क्या होगा कि एनर्जी बूस्ट होगी और इनके मोरल इनहेंस होगा साथियों। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट बुक के अलावा आप ऑली बोर्ड भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा रिलायबल है टॉपर्स के लिए वो है टेस्ट बुक। तो मैं टेस्ट बुक को प्रीफर करता हूँ साथियों। अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने टेस्ट बुक को कैसे एनालिसिस करता हूँ, टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करता हूँ। साथियों, टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को देने पर अभी हो सकता है टाइम आपको थोड़ा कम पड़ जाए, क्योंकि उसमें जो मैथ्स का लेवल है थोड़ा अच्छा है, रेदर देन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे मैथ्स का लेवल अच्छा है, तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हो सकता है आप लोग को टाइम कम पड़ जाए, लेकिन उसे घबराना नहीं, वो एक्चुअल एग्जाम का लेवल नहीं है, उससे जो एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा सा अंतर है उसमें, तो आपको टाइम उससे कम नहीं पड़ेगा एक्चुअल एग्जाम, लेकिन इसमें हो सकता है कम पड़ जाए, तो उसे घबराना नहीं है। लेकिन एनालिसिस इतना जबरदस्त करना है जिससे कि कोई क्वेश्चन अगर उस टाइप का आपको मिल रहा है तो बचने ना पाए साथियों। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैं अपने मॉक को एनालिसिस करता हूं साथियों। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो या तो मुझसे बने नहीं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे टाइम लगा एवरेज से ज़्यादा, तो मैं इसको नोट करता हूं, इनके सोल्यूशन को नोट करता हूं और इसको ईजी करने की कोशिश करता हूं साथियों। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो भी टेस्ट बुक में आए और मुझसे नहीं बने, या फिर जिनमें मुझे टाइम लगा, मैं सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलता हूं और फिर इनको मैं बाद में देखता हूं। दोस्तों, इंग्लिश की अगर बात की जाए, मैं हमेशा आपसे करता हूं कि ब्लैक बुक वोकैब की सबसे अच्छी बुक है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वोकैब करने हैं साथियों, तो उसके लिए आप ये जो टेस्ट बुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म जो आपके टेस्ट बनाते हैं उनका जो अलग से वोकैब आता है, इससे आपके एक्स्ट्रा वोकैब तैयार होते चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आसानी से आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे, तो आपके जो ब्लैक बुक है वो तो आप तैयार ही कर रहे हैं, साथ में ये भी आपका बाहरी याद होता चलेगा, जिससे अगर एग्जाम में कोई इरेलीवेंट आपका वोकैब आ गया जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आप टेस्ट बुक की मदद से उसको या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज की मदद से आप उसको हल कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए, मैं दूसरा मॉक टेस्ट है जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बने थे या टाइम लगा था, तो उसको मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, और इस तरीके से उसके वो कैब यहाँ पर है साथियों। इस तरीके से टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट का एनालिसिस या फिर किसी भी जो आप मॉक देते हैं उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, इससे आपके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है साथियों। और इस तरीके से अगर आप कैसे ऐसे करते चलेंगे तो एक दिन आपका ऐसा होगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगेंगे और फिर आपका नंबर इंप्रूव होने लगेगा। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो जितने भी टेस्ट सीरीज बनाती हैं कंपनियां, उन सभी का यही होता है कि कुछ दिन के बाद वो क्वेश्चन को रिपीट करने लगती हैं। अगर आप इस तरीके से अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलोगे तो कुछ दिन के बाद जब क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको उनका सोल्यूशन पता रहेगा, अच्छे से जल्दी से कर पाओगे, तो आपके नंबर इंप्रूव होने लगेंगे। और इस तरीके से बाहरी वोकैब भी आपके याद होते चलेंगे, तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है साथियों। आप सभी किस तरीके से एनालिसिस करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपने मॉक का सिर्फ एनालिसिस करिए, ये आपके क्या होंगे एक एक रिवीजन कॉपी के तौर पे तैयार हो जाएगा आपका, जो लास्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और यही कॉपी जो है जब आप लास्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है साथियों।
तो साथियों उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा कि मैं अपने टेस्ट बुक का एनालिसिस जो मॉक टेस्ट में देता हूं उसका एनालिसिस कैसे करता हूं। सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आपने मान लीजिए तुक्का लगाया वो भी सही हो गया, उसको भी नोट डाउन करना है कि तुक्का लगाने की वजह से क्यों सही हुआ, इसका सही ऑप्शन क्या है। इसके अलावा जो वोकैब्स पूछे जाते हैं, जैसे मैं वोकैब के लिए हमेशा ब्लैक बुक प्रेफर करता हूं, ब्लैक बुक सबसे अच्छी बुक है, ब्लैक बुक के अलावा कोई और सोर्स आपको फॉलो नहीं करना है, केवल टेस्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं टेस्ट बुक में आप उनको नोट करते हो चलिए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, इससे आपका जो एक्स्ट्रा वोकैब वो भी तैयार होती जाएगी और साथ साथ आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्स के जो क्वेश्चन आपसे बन गए उनको छोड़िए और बाकी जो नहीं बन रहे थे जिनमें टाइम लग रहा है उसको आप नोट करके उनका सोल्यूशन देखिए, हो सकता है उसको कोई अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों इससे हो सकता है आपको थोड़ा सहायता मिली हो कि कैसे टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया जाता है, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन जो हम जानते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो मॉक टेस्ट बनाता है कुछ टाइम के बाद उसके मॉक टेस्ट रिपीट होने लगते हैं, इससे हमको उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है साथियों। तो इसके अलावा जितने भी मेरे भाई, अगर आपको इससे कुछ हेल्प हुई हो तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। इसके अलावा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और सीपीयू से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए, सीपीयू से रिलेटेड जो एग्जाम हमारा होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक जो भी तैयारी में नए हैं ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।